हे गाइस, वेलकम टू टेक रील। और आज जो है हमने गैलेक्सी वॉच 4 मंगाई है फ्लिपकार्ट से। ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो इसलिए डिलीवरी गाय नहीं अनबॉक्सिंग कर दी। तो ये रही हमारी वॉच 4। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलती है एक वॉच। ये एक ब्लैक वॉच है, बढ़िया क्वालिटी की वॉच है, अच्छा सा स्ट्रैप है। वॉच 4 क्यों मंगाई मैंने और वॉच 5 क्यों नहीं ली मैंने, ये मैं डेफिनेटली एक रिव्यू में बताऊंगा। तो हमको और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें हमको कुछ पेपर वर्क, वारंटी कार्ड, ये हम देखने वाले नहीं हैं। तो हमको यहाँ पे मिलती है एक केबल, एडाप्टर इंक्लूड नेट नहीं है, तो शायद ये टाइप ए टू चार्जिंग डॉक है, टाइप सी नहीं है, क्योंकि वॉच 5 में आपको टाइप सी देखने को मिलेगी। ये वॉच 4 है, इसमें सिर्फ हाँ, तो ये एक टाइप ए टू मैग्नेटिक डॉक है, टाइप सी नहीं देखने को मिलता है आपको। तो ये रही गैलेक्सी वॉच 4 की अनबॉक्सिंग। बहुत ही बढ़िया वॉच है, प्रीमियम लगती है। ये अराउंड 27,000 में लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर, अब हमको फ्लिपकार्ट में सिर्फ 9,000 में मिल गई, तो बहुत ही एक अच्छा प्राइस है। तो डेफिनेटली ये जो है आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक गाइस, तो अभी हमारी वॉच ऑन हो गई है, जैसे देख सकते हैं गैलेक्सी वॉच 4। हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग फॉर डिवाइसेस टू ऐड, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पेयरिंग हमको ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे हम देंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे हम कन्फर्म करेंगे तो पेयर होना शुरू हो जाएगी। अलाउ गैलेक्सी अवेलेबल टू मैनेज योर गैलेक्सी वॉच, अलाउ, चेक योर फोन टू कंप्लीट सेटअप। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर 100% हो गई है अभी, तो कुछ अपडेट्स रहेंगे जो डेफिनेटली कंटिन्यू हो जाएंगे। उसके बाद हमारी वॉच सेटअप होने को तैयार। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पढ़ के अग्री देना पड़ेगा। हम यहाँ पे आए, अग्री पे क्लिक करते हैं। क्लोज टू 100%। तो एक अच्छी बात है कि पहले हमको यहाँ पे सिर्फ बिक्सबी का असिस्टेंट मिलता था, अभी आप यहाँ पे दोनों बटन को आप रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बिक्सबी इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ ताकि वो सेटअप हो जाए बहुत जल्दी। गूगल अकाउंट में साइन इन हो रहा है अभी, तो आपको जो भी ऐप्स चाहिए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आउटलुक, इंटरनेट ब्राउजर, स्पॉटिफाई और गूगल कीप जो है, मैं यहाँ पे अभी जो यहाँ पे एडिशनल ऐप्स हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू दे रहा हूँ। यू डोंट हैव एनी बैकअप्स एट, सो ऑटोमेटिकली बैकअप करना है आपको, तो आप उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप जो है फिनिश हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आपकी वॉच जो है इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यू आर ऑल सेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉच का परसेंटेज दिखा रहा है वॉच 4, और यहाँ पे सेटिंग्स हैं, यहाँ पे वॉच फेसेस हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फेसेस हैं। तो मैं एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा इसके रिव्यू के लिए। तो अभी तक के लिए जो है सिर्फ मैंने अनबॉक्सिंग की और मैंने जैसे आपको ये सेटअप दिखाना चाहता था कि तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन हैं हम जो कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छा है सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे आप बहुत इजीली कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमारी वॉच अभी सेटअप हो गई है, तो फ़ोन को यहाँ पे रख देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉच जो है स्वाइप डाउन फ्रॉम टॉप टू पैन, क्विक पैनल एक्सेस करने के लिए यहाँ पे स्वाइप करना पड़ेगा, और स्वाइप अप टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम एज से आप स्वाइप करेंगे तो सारे ऐप्स जो हैं आप, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक एमोलेड डिस्प्ले है। तो गाइस, ये रही अनबॉक्सिंग और इनिशियल सेटअप। तो एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इसके रिव्यू के लिए। तो आप भी तक के लिए बस सिर्फ इतना ही, वीडियो को देखा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।